जी आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे गुसल के फ़राइज़ और गुसल का तरीका के बारे में। जी गुसल आपको जो काम दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ होगा गुसल के अरकान और फ़राइज़ कितने हैं। गुसल के अरकान और फ़राइज़ 3 हैं। पहली यानी फ़र्ज़ वो चीज़ होती है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर फ़र्ज़ छूट गया तो यानी अगर नमाज़ में फ़र्ज़ छूट गया तो नमाज अदा नहीं होगी। अगर गुसल का कोई फ़र्ज़ एक भी फ़र्ज़ छूट गया तो गुसल अदा नहीं होगा। गुसल के अरकान और फ़राइज़ कितने हैं? 3। नंबर 1, अच्छी तरह से कुली करना, ठीक है, यानी ऐसे कुली करना कि हलक तक पानी जाए। लेकिन अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो फिर यानी हलक तक पानी नहीं लेके जाएंगे। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना, ठीक है, नाक की जो नरम हड्डी है ऐसे नाक में पानी डालना कि नाक की जो नरम हड्डी है वहाँ तक आपके पानी जाए। नंबर 3, पूरे जिस्म को धोना और अच्छी तरह से मलना। आगे हुक्म दिया हुआ है कोई फ़र्ज छूट गया या कोई उस बाल बराबर भी खुश रह गया तो गुसल नहीं होगा। अब आगे देखें, आगे है गुसल का तरीका। गुसल का तरीका क्या है? सबसे पहले हम हाथ धोएंगे, जो गंदगी वाली जगह है उसको धोएं, ठीक है। नंबर 3, वजू कर लेना बेहतर है मगर ज़रूरी नहीं है। नंबर 4, 3 बार हलक तक पानी ले जाकर अच्छी तरह से कुली करना। नंबर 5, 3 बार नाक में पानी डालना और नाक को साफ करना। आगे नोट लिखा हुआ है, हमेशा नाक जब साफ करें तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करें। फिर दाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी डालना, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी डालना, सर समेत पूरे जिस्म पर पानी बहाना, और जब गुसल से फारिग हो तो दोनों पाँव को धोना। इसमें मैं कुछ आपको इजाफी बातें बता देती हूँ। गुसल के बारे में हज़रत मैमूना रजी अल्लाह अनु की हदीस है। हज़रत मैमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में से थी। वो बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसल का इरादा फरमाया तो सबसे पहले दोनों हाथ धोए, फिर इस्तंजा किया, फिर बायां हाथ जिससे इस्तंजा किया था वो ज़मीन पर रगड़ा, फिर उसको धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, कोहनियों तक हाथ धोए, फिर सर पर पानी डाला और बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाया। 3 बार सर पर पानी डाला, फिर तमाम बदन पर पानी डाला, फिर जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसल किया था उस जगह से हटकर पांव धोए। गुसल करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि गुसल पर्दे में करना चाहिए। हज़रत आयशा रजी अल्लाह अनहु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल के बाद वजू नहीं करते थे। जब गुसल कर लें तो उसके बाद वजू की जरूरत नहीं होती। गुसल के साथ ही जो जब गुसल से फरागत के बाद हमने जो भी इबादत करनी हो, नमाज पढ़नी हो, कुरान पढ़ना हो तो हम वो पढ़ सकते हैं। और जब भी इंसान किसी किस्म की भी नापाकी में हो तो नापाकी की हालत में गुसल करते हैं। सिर्फ नहाने से ही पाकी हासिल नहीं होती बल्कि बाकायदा इस तरीके से गुसल करना पड़ता है जिस तरह से बताया जा रहा है। हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज जुमा के लिए आए तो उसे गुसल करना चाहिए, ठीक है। नापाकी के अलावा अब मैं आपको वो बातें बता रही हूँ कि जिनके अलावा भी गुसल करना ज़रूरी होता है और गुसल करने से जिन मौके पर सवाब मिलता है उसमें एक हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई भी शख्स नमाज जुमा के लिए आए तो उसे गुसल करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से भी रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि हफ्ते में एक दिन गुसल करे, बेहतर है कि जुम्मे के दिन में अपना सर और बदन धोए, ठीक है। यानी नमाज जुमा के लिए जुम्मे के दिन गुसल कर लेना चाहिए, सिर्फ नहाना ही नहीं चाहिए। और जब मैयत को गुसल देने के बाद नहाना मुस्तहब है, अगर कोई ना नहाए सिर्फ हाथ धोए तो भी काफ़ी है। इसी तरह से एक सहाबी हैं कैस बिन आसिम रजी अल्लाहु अन्हु, उनसे रवायत है कि जब वो मुसलमान हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि पानी और बेड़ी के पत्तों के साथ गुसल करें। हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने भी फरमाया कि जुम्मा और अरफा के दिन, कुर्बानी और ईद उल फितर के दिन यानी ईदैन जो हैं इनके दिन भी गुसल करना चाहिए। इसके अलावा हज़रत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज का अहराम बांधते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसल फरमाया। यानी नापाकी के अलावा ये ऐसे मौके हैं जिनमें गुसल करना ज़रूरी है और गुसल करने से सवाब हासिल होता है, ठीक है। यानी नमाज जब जुम्मे का दिन हो उस दिन गुसल करना चाहिए। अगर कोई नया मुसलमान हुआ हो तो वो जो उनसे गुसल करेगा, ठीक है। योम अरफा यानी जो 9 ज़िलहज होती है, 9 ज़िलहज वाले दिन और ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा और जुम्मे के दिन, इन सब मौके पर और हज का अहराम बांधते वक्त इन सब मौके पर गुसल करना ज़रूरी है। और ये जो गुसल का तरीका भी आपको बताया है
ये सारा गुस्ल के तरीके में आएगा कि यानी पहले गुस्ल के फ्राइज में कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे जिस्म को धोना और अच्छी तरह से मलना, ठीक है। और गुस्ल का तरीका फिर पूरा आगे बयान किया हुआ है कि पहले हाथ धोएं, जो सबसे यानी गंदगी वाला हिस्सा होता है उसको धोएं, वजू कर लेना बेहतर होता है मगर ज़रूरी नहीं है। 3 बार हलक में पानी ले जाकर अच्छी तरह से कुल्ली करें और 3 बार नाक में पानी डाल के नाक साफ करें। नाक हमेशा बाएं हाथ से साफ करें, दाएं कंधे पर पानी डालें 3 मरतबा, फिर बाएं कंधे पर, सर समेत पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। गुस्ल से फारिग होने के बाद दोनों पाँव साइड पे होके अच्छी तरह से धो लें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था।